नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा अवश्य होनी चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में पिछले 3 या 5 सालों से ही आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा ये स्टॉक्स अवश्य होनी चाहिए। अगर आपके स्टॉक्स में ऐसे स्टॉक्स नहीं है तो आपको इस मार्केट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक्स इतने बेहतरीन है, इतने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं, इसके मैनेजमेंट इतने अच्छे हैं कि जो कि बार बार अपने आप को प्रूव किया है कि इनका मैनेजमेंट बहुत ही बेहतरीन है। और ये स्टॉक्स में कई बार गिरावट देखने मिला है, फिर से ये स्टॉक्स अपने प्राइस को हमेशा रिकवर किया है और ये इतना बेहतरीन रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को, इतने बार बोनसेस दिए हैं। मतलब बोनस का अर्थ होता है जो मैजिक हमने बताया है, अगर 1:1 का बोनस देता है तो आपको 2 times मल्टीप्लाई कर देता है एक बार में, अगर 2 बार देता है तो 4 times मल्टीप्लाई कर देता है, अगर 3 times देता है 1:1 का बोनस 8 times आपके रिटर्न को मल्टीप्लाई कर देता है। तो समझ सकते हैं बोनस का मैजिक क्या है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप बोनस का मैजिक देख सकते हैं। हमने इसी कंपनियों के मैजिक के बारे में, बोनस के मैजिक के बारे में बताया है, कैसे आपका 1000 रुपया को करोड़ रुपये में ये कंपनियाँ कन्वर्ट कर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं बोनस का मैजिक क्या है। तो ऐसे ही स्टॉक्स के बारे में आप के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो का अवश्य हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट में अभी गिरावट देखने मिला है तो ये स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा गिरावट आया था इस स्टॉक में भी, लेकिन आप वहाँ नहीं ले पाए तो फिर हो सकता है कि आपको अपॉर्चुनिटी अगले 1-2 महीने में मिल सकता है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ऐसे स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर ऐड करें। अगर स्टॉक मार्केट में अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मतलब अपने आप को समझते हैं कि हम 5 साल से ऊपर के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही ग्रोथ देखा गया है, साथ ही साथ इसमें डिविडेंड भी बहुत ही बेहतरीन देता है। मतलब 600 रुपये का स्टॉक आपको 20 रुपीज़ से एवब का हर साल डिविडेंड देता है, तो समझ सकते हैं कितना बेहतरीन स्टॉक्स है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको उस स्टॉक के बारे में बताते हैं। तो वो स्टॉक्स है, देख सकते हैं, इन्फोसिस लिमिटेड। दोस्तों इन्फोसिस इतना बेहतरीन स्टॉक्स है कि आप देख सकते हैं इसका हम लॉन्ग टर्म चार्ट लगाए हुए हैं, यहाँ पर इसका चार्ट देखें कितना बेहतरीन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 ईस्वी में भी ये स्टॉक मार्केट में बहुत ही करेक्शन देखने मिला था इस स्टॉक में, फिर रिकवर किया, फिर 2008 में भी करेक्शन देखने मिला, फिर रिकवर किया। तो देख सकते हैं बार बार इसमें जो गिरावट कई बार आया, लेकिन फिर से अपने प्राइस को बहुत ही तेज़ी से रिकवर किया। देख सकते हैं फिर से यहाँ पर ये 2016 में, फिर 17 में फिर से करेक्शन आया था, उसी तरह से यहाँ पर देख सकते हैं कि 2019 में जो 2019 में इसमें वेस्टर्न ग्लोबल का जो कंप्लेन आया था उसके बाद भी इसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट आया। वेस्टर्न ग्लोबल कंप्लेन के बाद ये स्टॉक 840 रुपये से क्रेश होकर के 600 रुपये तक आ चुका था, समझ सकते हैं। उसके बाद कंपनी के मैनेजमेंट ने उसे इतनी अच्छी तरह से हैंडल किया कि स्टॉक्स फिर से 800 रुपये को टच किया, देख सकते हैं, और फिर से 786 रुपीज़ यहाँ पर दिखा रहा है, तो लगभग 800 रुपीज़ तक ये स्टॉक फिर से जा चुका था। उसके बाद हमारा आया पैंडमिक सिचुएशन अभी का, उसके बाद आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स आपको मात्र 681 रुपीज़ पे मिल रहा है, लेकिन ये पैंडमिक सिचुएशन में 500 रुपीज़ के अप्रॉक्स आ चुका था, मतलब 550 रुपीज़ के अप्रॉक्स इस पैंडमिक सिचुएशन में 550 रुपीज़ तक आ चुका था, समझ सकते हैं। अगर 550 रुपीज़ पर अगर आप इसे बाय कर दें, और ये इतना शानदार स्टॉक्स है कि आप इसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं, डिविडेंड यील्ड कितना शानदार है, 2.57%, मतलब इसका जो करेंट प्राइस है उसका ये 2.57% आपको डिविडेंड देता है, समझ सकते हैं, इतना परसेंट आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है, अप्रॉक्स 2.5% से भी ज़्यादा जो करेंट प्राइस है उसका। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इन्फोसिस हमारा कितना ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, इससे ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न आपको देखने मिलेगा इसके बोनस के रूप में। चलिए हम इसके बोनस पर ले जाते हैं आपको, दिखाते हैं ये कब कब बोनस दिया और कितना बेहतरीन बोनस दिया है। तो ये देख सकते हैं इन्फोसिस लिमिटेड यहाँ पर आपको दिख सक रहा है, बेसिक प्राइस है 680 रुपीज़, और इसका बोनस देखिए कब कब दिया है, 2018 में बोनस दिया है 1:1 का, देख सकते हैं 15 में दिया है 1:1 का, 14 में दिया है 1:1 का, 2006 में दिया है 1:1 का, 2004 में तो ये बहुत बड़ा बोनस दिया है, 1 शेयर पे 3 शेयर आपको फ्री दिया है। बोनस होता है कि आपको शेयर फ्री में मिलता है, जो आप शेयर पहले से खरीद कर इसके रखे हुए हैं तो उस पर आपको फ्री शेयर मिलता है। तो देख सकते हैं वो 3:1 का बोनस, मतलब 1 शेयर आपके पास होगा 3 शेयर फ्री, 100 शेयर होगा 300 शेयर आपको फ्री में मिलेगा, इतना ज़बरदस्त बोनस दिया है इन्फोसिस, देख सकते हैं कुल 8 बार बोनस दिया है, देख सकते हैं 8 बार बोनस। साथ ही साथ ये स्टॉक स्प्लिट भी एक तरह से कहिए
जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर है उसके लिए बोनस के जैसा ही काम करता है। तो 2000 ईस्वी में ये स्टॉक स्प्लिट भी किया है, तो ये भी एक तरह से बोनस हो गया, 1-for-1 शेयर फ्री, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट में हाफ मतलब कर दिया गया फेस वैल्यू, तो आपका शेयर दोगुना हो जाएगा, तो मतलब आपका दोगुना हो गया, एक तरह से 1:1 का बोनस हो गया आपको, 10 से 5 रुपीज़ फेस वैल्यू को डिक्रीज करना। अब उसके बाद हम लेकर चलते हैं आपको NSE के साइट पर, यहाँ पर और कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारा कंपनी जो है यहाँ पर 52 वीक का हाई देखेगा 847 रुपीज़ देख सकते हैं, 52 वीक लो देखेगा 509 रुपीज़ देख सकते हैं, 500 के अप्रॉक्सी स्टॉक आ चुका था, 509 रुपीज़ 52 वीक लो प्राइस देख सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर डिलीवरी वाइज पोजिशन दिखाते हैं आपको, जो लास्ट ट्रेडिंग डे था मतलब आज का दिन, तो यहाँ देख सकते हैं 43.97%, अभी जो हमारा इसमें देख सकते हैं स्टॉक यहाँ से बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका है, उसके बाद 43.97% का डिलीवरी चल रहा है इस स्टॉक में, मतलब जहाँ अभी बहुत सारे स्टॉक्स आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहे हैं, और ये स्टॉक्स अभी भी देख सकते हैं 700 के अप्रॉक्स चल रहा है, तब पर भी डिलीवरी इसमें देख सकते हैं 44% के अप्रॉक्स है, जबकि बहुत सारे स्टॉक्स 50-60% करेक्शन पर मिल रहे हैं, उसके बावजूद इस स्टॉक में डिलीवरी लोग ले रहे हैं। उसके बाद बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए इन्फोसिस का बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पर देख सकते हैं टोटल डेप्थ 0 है, कंपनी के पास बिल्कुल भी डेप्थ नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी के पास कुल डेप्थ कितना है 0, साथ ही साथ डेप्थ ही 0 नहीं, कंपनी के पास रिजर्व कैश बहुत सारा है, देख सकते हैं यहाँ पर रिजर्व, आप कंपनी के पास बहुत ही ज़्यादा रिजर्व है, तो यहाँ से आप देखिए रिजर्व कितना है 60,000 करोड़, ये करोड़ में है हमारा जो वैल्यू है, तो 60,000 करोड़ कंपनी के पास कुल रिजर्व है, तो यहाँ से देख सकते हैं कंपनी के पास कुल रिजर्व 60,000 करोड़ है, तो समझ सकते हैं कितना ह्यूज रिजर्व कैश है इस कंपनी के पास। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखते हैं कैश एंड बैंक बैलेंस 13,000 करोड़, कैश और बैंक बैलेंस कंपनी के पास 30,000 करोड़ है, डेप्थ 0 है, तो समझ सकते हैं ऐसे ही कंपनियां चाहिए, अभी आपका जो मार्केट में भारी गिरावट देखने मिला है, तो ऐसे ही कंपनियों के शेयर बाय करना चाहिए, जो कि इस पेंडेमिक सिचुएशन को, जो कि मंदी को में भी सर्वाइव कर सके, क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो कि इस मंदी में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो वैसे कंपनियां बैंक करप्ट हो सकती है, वैसे कंपनियों के जो सर्विसेज है बंद हो सकती है, बिजनेसेस बंद हो सकती है, लेकिन इस कंपनियों के बिजनेसेस भी मंदी में चल रहे हैं, साथ साथ इसके पास बहुत सारे रिजर्व कैश भी हैं, कैश और बैंक बैलेंस भी कंपनी का बिल्कुल बेहतरीन है, और बिल्कुल 0 डेप्ट है कंपनी के पास, तो समझते हैं ऐसी कंपनियां इस मंदी में सर्वाइव कर पाएगी। उसके बाद हम आपको मैनेजमेंट दिखाते हैं, इस कंपनी का जो मैनेजमेंट है देख सकते हैं यहाँ, जो विस्टर ग्लोबल कंप्लेंट था उसको इतने अच्छे तरह से हैंडल किया, यहाँ का जो टॉप मैनेजमेंट पे जो एलिगेशन लगा था, जिसके पास 16% स्टॉक क्रेश कर गया था, तो समझ सकते हैं उसके बाद मैनेजमेंट इतने अच्छे से इस प्रॉब्लम को हैंडल किया। उसके बाद फिर से देख सकते हैं इन्फोसिस 16% जो क्रेश हुआ था उसको फिर से रिकवर कर लिया, तो ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसे ही बेहतरीन स्टॉक्स आपको TCS भी है इस सेक्टर में, तो TCS, इन्फोसिस, HUL ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में जरूर होने चाहिए। जैसे आप रिलायंस लेते हैं तो रिलायंस के पास बहुत सारा डेप्ट है, जिससे के कारण लोग रिलायंस से दूर भागते हैं, लेकिन इधर जो रिलायंस का डील हुआ है, 4-5 बड़े बड़े डील हुए हैं, जिसके बाद रिलायंस भी अपने डेप्ट को लगातार कम करने में लगा हुआ है, अगर रिलायंस का डेप्ट बिल्कुल 0 हो जाता है तो रिलायंस भी अपने प्राइस से डबल प्राइस तक जा सकता है, तो ऐसे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जैसे इन्फोसिस, TCS, HUL, उसके बाद HDFC बैंक, रिलायंस, ये सब मार्केट लीडर कंपनियों हैं, आप निफ्टी 50 में देखेंगे तो ये सब कंपनियां टॉप निफ्टी के टॉप कंपनियों में है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल रहा होगा, और अगर इन्फोसिस के बोनस का मैजिक देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जहां से आप उस वीडियो को देख करके इन्फोसिस के मैजिक को समझ सकते हैं, बोनस का मैजिक क्या है, मतलब बोनस एक मैजिक है, ऐसे हम लॉजिक पे चलते हैं कि लॉजिक क्या है किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने का, तो आपको हमने सारे वीडियो में लॉजिक को कवर किया, किस लॉजिक पे आपको इन्फोसिस में इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन मैजिक जो है बोनस का मैजिक उसको कैसे समझेंगे, तो ऊपर वीडियो आई बटन पे लिंक दे दूंगा, और देख करके आप मैजिक फार्मूला समझ सकते हैं जो बोनस है उसका। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल रहा, वीडियो को लाइक और शेयर करना है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।